भाई यहाँ पे टंग से खेल रहे हैं अपने भाई ने मारा भाई लिटरली हेडशॉट देख रहे हो तुम नीचे भाई ये बंदा जीभ से खेलता है अपनी लिटरली ये वाली वीडियो को पूरा देखो आपको दिखाऊंगा भाई का गेम प्ले और सोविक डी भाई ने इसके साथ 1v1 करा है क्या होने वाला है क्या सोविक भाई जीतेंगे या फिर नहीं देखो पूरी वीडियो सोविक भाई कैसे भाई है हमारे जिनकी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को हमेशा मिलता है जब मैं वीडियो देखता हूँ मेरा गेम प्ले ऐसा नेक्स्ट लेवल पे हो जाता है कि लोगों की 1v1 करने में मेरे से फट जाती है और जब मैं वीडियो नहीं देखता हूँ मेरी लोगों से 1v1 करने में फट जाती है तो एक तरह से भाई का सिखाया गया है सब आज भाई ने कर दिया था एक टंग गेमर को चैलेंज टंग प्लेयर को जो कि अपने जीभ से खेलता है देखते हैं भाई क्या हुआ मैच में आज तक मैंने लाइफ में बहुत से प्लेयर देखा अच्छे से अच्छे प्लेयर देखा पर इनसे अच्छा शायद तक नहीं देखा ओके डाउन करा तीन हो गया किधर है हमारे भाई रा किधर है आ जाओ मैं टीम कोड दे रहा हूँ ठीक है वो 1v1 करने के लिए पे किया ठीक है ये एडियन है भाई बंदा लिटरली टंग से खेल रहा है और भाई मार भी रहा है भाई साहब ये बंदा क्या खेल रहा है भाई किधर है हमारे भाई ना किधर है आज भाई इंट्रो ही ऐसा हो जाता है ना भाई कसम से कि भाई मेरी तो क्या ही बताऊं बस तुमको यार सही में बहुत मजा आता है भाई इंट्रो में ही मैं दावे के साथ बोल सकता हूं आज तक हमने YouTube में जितने भी वीडियो बनाए सबसे खतरनाक वीडियो आज का है आज के गेम प्ले में एनिमी के चैलेंजेस से लेके लास्ट HP पे सर्वाइवल साथ ही हमने एक ऐसे यूट्यूबर को चैलेंज दे दिया हमने अपना डी मोड एक्टिवेट करने के बाद भी ये गेम अनफॉर्चुनेटली हार जाता है डीएम एक गेम प्ले में बढ़ने से पहले अगर आप BGMI खेल ही रहे हो तो आपके लिए एक छोटा सा टिप्स बताता हूँ जैसे आप नॉर्मली BGMI को खेलते हो वैसे ही आप BGMI टूर्नामेंट्स खेल के 50,000 rupees क्या बात कर रहे हो भाई सही में भाई सो स्ट्रॉन्ग के बारे में मैं भी जानता हूँ गाइस मैं तुम्हें बता देता हूँ मैं भाई का ट्रस्टेड है और मेरा भी ट्रस्टेड BGMI खेल के बोर हो रहे तो रोज 5,00,000 rupees तक जीतना चाहते तुम BGMI खेल के वीडियो पूरी देखो So strong, जो कि 100% trusted है and इसके 35,00,000 से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं और 10 crore की विनिंग से अब तक बांट चुका है भाई लोगों में। इस ऐप की यार सबसे खतरनाक बात ये है यहाँ पे आपको काफी सारे टाइप्स के टूर्नामेंट देखने को मिलते हैं जैसे कि इंस्टेंट टूर्नामेंट जहाँ पे 0 waiting time होता है और इस ऐप में यार कस्टम रूम खेलने की भी जरूरत नहीं है यार सिर्फ अपना क्लासिक मैच रैंक्ड खेलो और So strong आपके खेल डिटेक्ट करके आपको खुद ही आराम से पैसे दे देगा यहाँ से रोज BGMI खेल के पैसे जीतना गारंटीड है एकदम और सबसे एक बढ़िया बात बताता हूँ तुम्हें So strong का जो एंट्री चीट है वो इंडस्ट्री में बेस्ट है तो मैंने यार So strong का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट पिन में दे रखा है वहां से डाउनलोड करो आपको 600 rupees का साइन अप बोनस मिलेगा जिससे आप फ्री में टूर्नामेंट ज्वाइन कर सकते हो इजीली भाई पाएगा मजा खेल का बहुत मजा आएगा और मजे की बात यह है कि आपका जीता हुआ पैसा आप गूगल पे पेटीएम फोन पे UPI के थ्रू इंस्टेंटली विड्रॉ कर सकते हो मोगेम्बो खुश हुआ तो देर किस बात की है यार जल्दी से डाउनलोड करो फटाफट और जीतो 50,000 rupees डेली लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मैंने दे रखा है फटाफट से डाउनलोड कर लो बेसिकली कहानी आज का कुछ इस तरीके से शुरू होता है जैसे कि आपने देखा ऑल पे कुछ बंदों ने हाथे पार कर दिया था इसी चलते लिटरली मेरे को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और ये गुस्से का परिणाम जो भी होने वाला ये तो आपको थोड़ी देर में फिलहाल इसके साथ एंट्री होता है इवेंट पे आसपास ढेर सारे बंदे बहुत सारे बंदे आ गए भाई यार भाई का लैग कैसे नहीं हो रहा है डिवाइस यार आईपैड लैग नहीं होता क्या जैसे ही मैं उतरता हूँ टीममेट अलग फाइट लेने के लिए चला जाता है और मैं आईपैड में खेल के देखूंगा यार मैं अपना गेम नहीं पता था कि सामने आईफोन लैग हो रहा है स्क्वाड है अभी देखो बंदा आ गया ओके भाई सही है तू और चला दे दूसरे बंदे को डाउन करा तीन नॉक दिया क्या करने है गेम खेलने नहीं आए थे भाई साहब तीनों डाउन कर दिया पे भाई साहब जैसे तैसे करके यहाँ पे 1v4 सक्सेसफुली टर्न होता है यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुआ था बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा लोड वगैरह कंप्लीट करके जैसे ही आगे जाने की तैयारी करता हूँ टीममेट का इशारा था कि आगे काफी सारे बंदे हैं फिलहाल यहाँ पे कंप्लीट छोड़ता हूँ दो बंदे को नॉक करता हूँ तीसरा बंदा पीछे की तरफ जाता है तीसरा वाला वो कहाँ गया बंदे थे और भाई साहब यहाँ पे भाई गेम प्ले देखो तुम बस यार कितना खतरनाक चल रहा है गाइस और टंग गेमर जो चैलेंज करा है ना भाई भाई ने जो टंग गेमर को चैलेंज करा है वो भी हम देखेंगे टेंशन ना लो इसी में ही आएगा वो भी उसकी टेंशन नहीं है आ रहा था
प्रोस्टेट के साथ इसको भी खत्म कर देता हूँ। देखते आसपास के सिचुएशन थोड़ा सा ठंडा तो हो चुका था, जैसे ही हम आगे की तरफ जाते हैं गंदे तरीके से पड़ता है। ओके बाल बढ़ते बचता हूँ यहाँ पे, टीममेट को कॉल देता हूँ, यहाँ से पहले बच के जाना पड़ेगा, फिर आगे का सिचुएशन देखा जाएगा। अच्छा। जैसे हम यहाँ पे फ्लैंक कर रहे थे, सामने वाले स्क्वाड भी यहाँ पे ऑलरेडी फ्लैंक कर चुके थे, पर उसको मेरा लोकेशन पता नहीं था। भाई साहब क्या शॉटगन चला रहा भाई सौविक यार, बढ़िया बढ़िया शॉटगन चला रहे भाई अपने। सामने बंदा स्पॉट हुआ था, मैं जल्दी से नेट कुक किया। ठीक है नेट कुक हो रखा है यहाँ पे, डाला भाई आगे की तरफ नेट, नेट डालू मरेगा मरेगा मरेगा। सामने भाई के यहाँ पे 10 किल हो चुके हैं भाई। यार मेरे को ना समझ नहीं आता कई बार भाई कैसे निशाना लगाते हैं भाई इतना खतरनाक, यार मेरी तो फट जाती है भाई यार निशाना लगाते लगाते ही इसमें बंदों में, ऊपर जाके इतना लैग मारता डिवाइस, लिटरली 14 प्रो है मेरे पास भाई, तुम देख सकते हो ये देखो भाई ये आईफोन लैग हो रहा है भाई, ये 1.5 लाख रुपये का आईफोन लैग हो रहा है भाई, पता नहीं क्यों होता है और मेरे को नो आइडिया। भाई साहब एक बंदे को तो ले लेता हूँ पर दूसरा बंदा अनफॉर्चुनेट मेरे को खत्म कर लेता है, नाम नोट करके रखना, इसी बंदे को आगे चल के खत्म भी करने वाला हूँ। फिलहाल यहाँ पे हल्का सा फुस्टेप मिल रहा था बट एग्जैक्टली नहीं पता था कि कहाँ पे बंदे हो सकते हैं, दैट्स व्हाई फ्री फायर कर रहा था। इतने में कुछ बंदे रिकॉल होके आते हैं। ओके भाई साहब मारा एक बार खुदा, मार्क द लोकेशन। भाई साहब अब क्या होने वाला है भाई, ये होती है पता है क्या होता है भाई, बॉट से मरते भाई अभी, ये पता है क्या होती है ये ना, एक तो साउंड होती है कि जो आप साउंड सुन रहे हो वो अच्छे से सुन रहे हो, आपको साउंड की नॉलेज है ठीक है, और दूसरी चीज़ ये होती है थोड़ा सा अंदाजा लगाना होता है हमको कि आगे से हम मार पाएंगे या नहीं मार पाएंगे बंदे को, अगर नहीं मार पाएंगे तो जाओ ही मत भाई, सिंपल सी बात है। और मेरे मैसी हेयर्स कैसे लग रहे हैं मेरे को जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना, क्या मेरे को कटवाने चाहिए या नहीं कटवाने चाहिए। चादर से एक बंदा उड़न कटोला लेके ऊपर की तरफ आ चुका था, शायद वो यहाँ पे नीड करने की स्ट्रेटेजी बना रहा था। ओके यहाँ पे हमारा बसते बजाते आगे की तरफ जाता हूँ, देखो लूट का तो यहाँ पे समस्या था ही, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लूट करने के चक्कर में आगे की तरफ जा रहा हूँ, भाई साहब गंदे तरीके से पड़ते हैं भाई साहब। चलो जैसे तैसे करके यहाँ पे सर्वाइव हो जाता है, गेम प्ले में काफी सारा ग्लेशियर वाले भी बंदे थे, किलफिट में बैक टू बैक आ रहे थे, पर जो भी हो फाइनली जब हम पोचिंग की तरफ जाते हैं आगे की तरफ फाइट हो रहा था, यहाँ पे मेरे पास व्हीकल वगैरह नहीं था, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे टेलीपोर्ट होके जाने की तैयारी कर रहा था, टिमेट कहीं ना कहीं मना भी कर रहा था। अभी देखो क्या यहाँ पे मार पाएंगे सोविक भाई, देखते हैं भाई कहाँ से दिखा बंदा, बंदा कैसे देखा, जल्दी से फिनिश करता हूँ भाई, बंदा दिखे कैसे भाई को यार मेरे को समझ नहीं आ रहा। इसका टीममेट आगे की तरफ होल्ड किया था, जल्दी से थोड़ा कदम आगे जाने के बाद मैं यहाँ पे टेलीपोर्ट का फिर से इस्तेमाल करता हूँ, डैमेज दिया इसको भी यहाँ पे खत्म कर दूँगा। यहाँ पे नेट वाले घर पे ऊपर पे कूदा है ये भाई, बहुत सही चीज है टेलीपोर्टेशन, बट ये मरवा भी देती है कई बार। सामने की तरफ बंदे आ चुके थे, एक से शायद तक दो बंदे भी हो सकते थे जब तक मैं नेट को करता, टीममेट ने एक किल निकाल दिया, ऊपर से आ रहा था, दैट्स व्हाई मैं रोटेट किया, जब तक ये टीममेट को फोकस कर रहा। वेरी नाइस वेरी नाइस प्ले का आखिरी पड़ाव आ चुका था, मैं टेंपल के पास ढूंढते उठते आ रहा हूं, यहां पे एक भाई साहब वही क्लेशो वाला बंदे मिलता है, बंदे पहले से ट्रैप डाल के बैठे थे यहां पे, फिलहाल अरे भाई भाईजान आ जाओ भाईजान यार, कैसे भाईजान बचाओ ना भाईजान, भाई साहब लेफ्ट से यहाँ पे आज मेरी फाइट भी हो रही थी यार, लाइव कर रहा था जब मैं इसी चैनल पे लाइव करता हूँ, मैं सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऑफ है क्या भाई का एम असिस्ट,
जैसे ग्लेशियर वाले बंदे को खत्म करता है, रेंज के ऊपर से गंदे तरीके से पड़ने लग जाता। यहाँ पे जोन भी हमारे ऊपर नहीं था, दैट्स व्हाई यहाँ पे थोड़ा सा रोटेट वगैरह करके शॉट्स निकलने की तैयारी कर रहा था। टीममेट तो आगे चला गया था, पर अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पे कंप्लीट तरीके से फंस हुआ था। बारा 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 अरे यार भाई, कितना किल हुआ है तुम्हारा भाई? 22 किल हो चुके हैं भाई। जैसे तैसे करके यहाँ पे मैं सर्वाइव कर ही रहा था। जल्दी से यहाँ पे टेलीपोर्ट का इस्तेमाल करके यहाँ से पहले जोन के अंदर जाता हूँ। फिलहाल यहाँ पे एक छोटा सा जोन बन चुका था और काफी सारे बंदे थे यहाँ पे। अरे भाई क्या स्प्रे मारा भाई साहब, पीछे स्पॉट हुआ। टीममेट ने एक नॉक निकाला, मैं टीममेट को कॉल देता हूँ कि रश करना पड़ेगा। सामने की तरफ बंदा है भाई, मरते 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 भाई, क्या बचे हैं भाई, क्या बचे हैं। मार दिया टीममेट ने। नाइस, ग्रेट, वी आर द बेस्ट। बोलेंगे हमने इरेंगल पे झंडा गाड़ दिया। बोलेगा फाइनली हमने पूरे इरेंगल के ऊपर झंडा गाड़ दिया। इतना खतरनाक गेम प्ले के बाद आशा करता हूँ सब्सक्राइब कर दोगे। स्ट्रीमर ऑनलाइन आ चुके थे। स्ट्रीमर के पास बढ़ने से पहले कुछ चीजें आपको जानना भी इम्पोर्टेंट है भाई। देखो चीजें हम बिल्कुल जानेंगे, उससे पहले अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं करा मेरे चैनल तो जल्दी से कर देना, दूसरी बार बोल रहा हूँ। और लाइव भी आप कर सकते हो और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। इंडियन भाई का एक टाइम पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर था और इंडस्ट्री में ऐसा कोई रिएक्शन चैनल नहीं है जो भाई के गेम प्ले के ऊपर रिएक्शन ना किया हो। आज जब मैं इंडियन भाई के साथ 1v1 कर रहा हूँ, लिटरली मैं काफी ज्यादा नर्वस हूँ। मैं कैसे रिएक्ट करूँ, क्या करूँ, मेरे को समझ में अभी तक नहीं आ रहा। भाई ऑनलाइन आ चुके थे, चलते उनके स्ट्रीम में, देखते क्या होने वाला है। देखो बाकी यूट्यूबर के साथ हम 1v1 करने के लिए थोड़ा सा बार्गेन वगैरह कर लेते हैं भाई, कम में कर लो, कम में कर लो। इस बार ऐसा कुछ नहीं करने वाला है। मैं भाई को यहाँ पे सीधे ही बोलता हूँ कि 500 का सुपर चैट करूंगा भाई, कर लो मेरे साथ 1v1। फिर क्या, मैं सुपर चैट करने के लिए जा रहा था। जल्दी कर, कर रहा हूँ भाई, कर एक सेकंड में हो गया भाई। डन पेमेंट डन, पेमेंट डन। आ जाओ भाई, किधर है हमारे भाई ना, किधर है, आ जाओ। मैं टीम कोड दे रहा हूँ, ठीक है। वो 1v1 करने के लिए पे किया, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। टीम कोड भाई ने यार सस्ते में ही कर दिया यार, सही में 500 रुपये में बेचारे कह रहे हैं यार पैसों की भी जरूरत है। करते हैं भाई के साथ कुछ। आ जाओ ब्रदर फटक से, इधर 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 भाई, रिक्वेस्ट ले लो। अरे आपने रिक्वेस्ट भेजा? ओके भाई, अरे आपने रिक्वेस्ट, चलो रिक्वेस्ट ले लिया, आपको मैं बुला रहा हूँ, ठीक है, रूम में बुला दो भाई, बुला दो। ऑल सेट था, यहाँ पे मैं तैयार था, भाई तैयार थे। और आपको क्या लगता है ये गेम में क्या होने वाला है, आप कमेंट करो। अभी देखो क्या होता है भाई, चालू हो चुका है यहाँ पे गेम। अरे भाई बंदा लिटरली उससे खेल रहा है टंग से। ओ भाई क्या मार रहा है यार। भाई हराएंगे क्या सोविक भाई इसको? भाई इतना मारना बोले फिर भी नहीं आता। भाई मेरा एम भी जा रहा है इधर उधर निकल के साथ सर। भाई मार रहा है यार, मेरे ख्याल में नहीं मारेंगे भाई सोविक भाई, जहां तक मैं भाई को जानता हूं। यार भाई प्लीज सोविक भाई, हार जाना भाई प्लीज इस बार भाई प्लीज। भाई
हर एक गेमर के अंदर हमेशा गेमर वाला स्पिरिट रहता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है कि जानबूझ के कोई हार रहा है सामने, ऐसा मजा बिल्कुल भी नहीं आता है। दैट्स व्हाई मैं पहले से ही बिल्कुल भी सोच के नहीं आता कि ये गेम मैं हारूंगा या फिर कुछ करूंगा ऐसा सीन, मेरे माइंड में कुछ बिल्कुल भी ना था। बट जब मैं स्ट्रीम खोल के देखा भाई कितना ज्यादा एफर्ट लगा रही थी गेम को डोमिनेट करने का, मैं लिटरली शॉक हो गया, हिल चुका था अंदर से। टीम मोड को यहाँ पे बंद कर दिया जाता है, फिर क्या था, मैं दिल से चाहता था कि ये गेम एडियन भाई जीते। भाई लिटरली गूज़बम्स आ गए ये देखकर मेरे को, लिटरली भाई कसम से, लिटरली लिटरली भाई। यहाँ पे मारा भाई ने, यहाँ पे मार दिया है। ये देखना भाई, ये बंदा टंग से खेल रहा है। अरे भाई टंग से मार रहा है भाई, क्या खेल रहा है बंदा। यहाँ पे भाई चलाया गोला, भाई यहाँ पे टंग से खेल रहे हैं अपने। भाई ने मारा भाई लिटरली हेडशॉट, देख रहे हो तुम नीचे भाई, ये बंदा जीभ से खेलता है अपनी लिटरली। यार मैं इमोशनल हो जाऊंगा भाई, सही बताऊं तुम्हें कसम से इमोशनल होने वाला हूं मैं मेरे ख्याल में। सब कुछ यहाँ पे मेरे प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रहा था, पर अनफॉर्चुनेटली कहीं कहीं मैं गलती से मैं मार दे रहा था, और यहाँ पे काफी कम टाइम बचा था और मेरे लिए बहुत ही बड़ा टास्क था यहाँ पे कुछ भी करके भाई ये गेम, मेरे को एडियन भाई को जिताना। मैं उनका दिल से रेस्पेक्ट करता था, तो मैं ये गेम भाई जीत नहीं सकता था, ये होप मत करो कि मैं ये गेम जीतूंगा। इसी के साथ ये गेम प्ले खत्म होता है। फाइनली हक के साथ बोलेगा, फाइनली एडियन भाई ने हमारे दिल के ऊपर झंडा गाड़ दिया। फर्स्ट टाइम मेरे को कोई गेम हार के इतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है भाई, आई डोंट नो। फिर क्या था, मैं उनके चैनल पे जाता हूँ। भाई बंदा क्या मार रहा था भाई? ठीक है बंदा ठीक था, अरे पास पास में एंटी नहीं मार पा रहा था उसको यार, थोड़ा भी इतना जल्दी मारते रहा था भाई को। लास्ट में तो लग रहा था कि वो कमबैक किए हैं, और जिससे मेरे को बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा था। फिर क्या था, मैं ऑफिशियल लाइट से जाके ये बोलता हूँ कि आप गॉड लेवल प्लेयर हो। जी जी तो बिग डी लाइव भाई, आप गॉड प्लेयर हो। जी जी अरे सोबिक डी था यार, अरे अरे भाई, अरे सोबिक डी भाई यार, तुम्हारे वीडियो देखा था यार, ऐसे करके मारते हुए यार।
टॉपिक डी भैया जी क्या हाल चाल? मेरा तो सपना था यार टॉपिक डी भैया आपके साथ खेलने के लिए। चलो खेल लिए आपके साथ भी, खेल के बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया आने के लिए। सेम टू यू भाई, सेम टू यू। ये बोल के हम थोड़ा सा बातचीत करके यहाँ पे विदाई लेते हैं और उसके बाद स्ट्रीमर भाई का रिएक्शन कुछ ऐसा था। अरे सारे टॉपिक डी जानते हो ना? हाँ हाँ जानते हैं। हाँ वो करता है ना स्ट्रीमर के साथ जाके। अरे आप बहुत अच्छे खेलते हो यार, आपका रिफ्लेक्ट मैंने देखा है यार। खैर ये तो था आज का कहानी, पर दिल से एक चीज बोलना चाहता हूँ यहाँ पे इंडियन गेमिंग भाई का। कुछ टाइम पहले 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ था। आई डोंट नो व्हाई बट इनका 1 मिलियन का चैनल टर्मिनेट हो चुका है। मैंने सर्च करके भी देखा, चैनल यूट्यूब में दिख नहीं रहा है। एक चैनल पे इतना मेहनत करने के बाद, चैनल जाने के बाद कैसा लगता है मेरे से अच्छा वाला कौन जान सकता है। और करेंटली उन्होंने एक और चैनल बनाया, 1 से 2 लाख लोग हमें रोज देखते हैं। मैं तो बोलूंगा कि एज अ टैलेंटेड गेमर फुल ऑन सपोर्ट करो टीएमई। सारे के सारे जितने भी आज वीडियो देख रहे हो सभी जाके सब्सक्राइब कर दो भाई, पावर दिखा दो टीएमई। यही सही टाइम रहे, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बैक विद अ न्यू वीडियो एज सून एज पॉसिबल। मैं कुछ नहीं बोल सकता भाई इसमें यार, देखो सिंपल सी बात है और बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। सोविक भाई दिल से रिस्पेक्ट ब्रो इस चीज़ के लिए सबसे पहली बात तो। एंड पता नहीं मेरे को ये मेन चैनल पे क्यों नहीं मिली वीडियो, क्या दिक्कत आई इस वाली वीडियो में या फिर कुछ भी हुआ, नो आइडिया भाई। मेरे को कोई आइडिया नहीं क्यों हटाई भाई ने वीडियो, अच्छी थी यार वीडियो तो। बाकी आपको मेरा रिएक्शन कैसा लगा इस वाली वीडियो में मेरे को जल्दी से कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हो आप @vampire1 करके मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। बाकी गाइस सो स्ट्रॉन्ग को डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन मैंने दे रखी है ओनली एंड्रॉइड यूजर्स के लिए। फिलहाल के लिए iOS में जल्दी से आ जाएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, ख्याल रखना अपना और अपनी फैमिली का भी। बाय बाय, लव यू।